लोग भारत माता के संतान हैं, तो सब लोग पूरे एक स्वर से, एक रिदम से आंदोलन को एक डायरेक्शन और सरकार तक उसकी गूंज कैसे जाए। इसलिए सभी भाइयों दोनों हाथ खड़े करके, ध्यान रखें, दोनों हाथ खड़े करके पूरे जोर से हमको आज उस 56 इंच के मोदी को यह दिखा देना है कि हमारी युवाओं की आवाज क्या है। पूरे जोर से जितना ताकत है उतनी ताकत लगाइए, बोलो भारत माता की, माता की, इंकलाब, 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 वंदे, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक डेढ़ महीना हो गया कोर कमेटी को लगे हुए, उनके खून पसीनों की उनकी मेहनत को हम ऐसे ही जायज नहीं होना देंगे। अगर हम में से कोई भी इस तरह की कोई एक हरकत हो गई, बेचारे उन जो एक महीने से यहाँ सड़कों पर सो रहे हैं, हमारे उन भाइयों को, हमारे उन बहनों को, हम जो है हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि उन्हें उन्हें एक अपमान का घूंट भी ना पड़े। भाइयों, यहाँ पुलिस की जो परमिशन दी गई है उसमें कई टर्म्स और कंडीशन है, और मैं आपको बता दूं कि सरकार ये चाहती है और सरकार ने ऐसे लोगों को भेजा है कि इसमें कुछ ऐसा चीज हो जिससे सरकार को लाठी चार्ज करने का मौका मिले और हम लोग आंदोलन को जो है एक गलत दिशा दे दे। युवा एक होश में होगा तो जोश के साथ में युवाओं के होश को एक दिशा दी जाएगी। दोस्तों, आप लोग सब समझदार हो और हम इस आंदोलन को, कोई भी आंदोलन बिना नेतृत्व के नहीं चलता है, आंदोलन हमेशा एक नेतृत्व से चलता है, और नेतृत्व में कुछ लोग निर्णय लेते हैं, भीड़ में से कोई भी आ जाएगा और कुछ भी उद्घोष कर देगा। दोस्तों, आप में जोश है और इस आंदोलन में कुछ ऐसा गठित हो जाएगा, इसलिए मैं कम से कम आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हूँ, तो मैं आपको ये निवेदन करता हूँ, बल्कि मैं आपको ये हिदायत देता हूँ कि ऐसे जोशीली भरी बातें करके आंदोलन को तोड़िए मत, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम दोबारा खड़े होने लायक नहीं।